Okay, everybody, happy Holi! Happy Holi! Okay, this is overwhelmed. Yeah. Oh, yeah. They're more excited with Motu Patlu roaming around. यार ये पहली बार हमने ना इको फ्रेंडली होली खेली है जिसमें ज्यादा कलर्स नहीं है बहुत पानी बहुत कम है हां पहले साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दे यूज इट बट एक्चुअली इनकी पहली होली है तो ये बहुत मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है फॉर देम इज द फर्स्ट टाइम वी बी प्लेइंग होली एंड यस ये एक बहुत ही अच्छा एसोसिएशन है निकोलोरियन के साथ क्योंकि हम इको फ्रेंडली एग्जैक्टली बिकॉज़ वी आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली पीपल एंड वीपी तो इन्हें वापस क्वेश्चन बोलिए तो एक तो पहले होता था कि हम है ना वैसे टॉक्सिक कलर्स में यूज करते थे जब हम होली खेलते ये वाली होली उससे भी बेटर है बिकॉज़ यहाँ पे कलर्स ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम फोम इस्तेमाल कर रहे हैं स्लाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं पानी नहीं वेस्ट हो रहा है और एक सेक्शन ही है जो कि पानी और वो भी ऐसा नहीं कि बाल्टी भर के पानी वो एक स्प्रिंकल जैसे हो रहे हैं सो आई थिंक दैट इज अ वेरी एंड इट्स स्टिल सो मच ऑफ फन उसमें भी इतना मजा आ रहा है हमें कि हम सोच रहे हैं कि हमारी भी होली जो अभी हो ऐसी ही हो अरे बहुत सारी यादें हैं जब हम लोग तो है ना कलर्स के साथ खेलते थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि कलर्स हमारे मुंह में चले जाते थे और हम चिल्लाते अरे माँ पानी पानी सो बहुत सारी यादें और हम लोग बिल्डिंग्स में रहते थे तो बिल्डिंग से ऊपर चिल्लाते थे कि वी वांट वाटर तो ऊपर से बाल्टी भर के पानी आता था तो मतलब वो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट टाइम एंड ऑफ कोर्स राइट नाउ इज अ वेरी डिफरेंट टाइम हमारे में टाइम अगर स्लाइम होता तो हम स्लाइम के साथ खेलते स्लाइम में बहुत मजा आते हालत देख ही रहे अब हम लोग की मैं यही कहूँगा कि अभी आई थिंक उनको ऐसा एक प्लास्टिक ईजाद करना चाहिए ऐसे गुब्बारे ईजाद करने चाहिए जो कि प्लास्टिक मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो यस जब हमारे टाइम हम खेलते थे तो इतना टाइम ख़राब नहीं था अब बहुत प्लास्टिक से बहुत एनवायरनमेंट में ख़राबियाँ पैदा हो रही है सो आई थिंक बट हम गुब्बारे से बहुत वी लव बलून सो आई थिंक ऐसा एक प्लास्टिक ईजाद करना होगा जो कि इको फ्रेंडली नहीं अगर हम साइंटिस्ट होते तो हम जरूर ईजाद करते लेकिन हम सॉरी बलून हम बलून बनाना हमारा काम नहीं है आप बलून नहीं इस्तेमाल करना हमारा काम है बट बलून से मत यूज करो या बट यू नो अगर थोड़ा वो यूज अ कप हां वो कप से ना हम देख रहे हैं अंदर है ना कप से फेंकते जा रहे और बलून मतलब लगते भी हैं और फूटते भी नहीं है हाँ एक नए शो के लिए तो उसके लिए हम रेडी हो रहे हैं और मजे की बात ये थी कि होली के दौरान कलर लगा तो ऐसा लग रहा है कि होली के लिए मैंने ये किया हुआ है नहीं वो बता नहीं सकते बट इट्स अ डिजिटल शो दैट वी वर्किंग ऑन सो वेरी यस तो उसके लिए एक नया लुक है थोड़ा सा तो नहीं बता सकते वो सरप्राइज ही रहने दो जब आएगा तब मज़ा आएगा ऑलराइट अभी तो मेरे बिग बॉस यही हैं मैं इनके साथ ही खेलना चाहूँगा बिकॉज हाँ एग्जैक्टली ये भी एक्चुअली सदस्य थे एक एपिसोड के तो ये मेरे सबसे फेवरेट सदस्य थे ऑलराइट थैंक यू